नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज़ बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्यसभा में कश्मीर पर चर्चा, संसद के बाहर बयान देने के लिए कांग्रेस का पीएम पर हमला। गुलाम नबी ने पूछा, एमपी से कश्मीर हिंसा पर बोलने वाले पीएम मोदी संसद में क्यों चुप हैं? तमिलनाडु का कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट देश को समर्पित। पुतिन, मोदी, जयललिता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने बताया भारत रूस के रिश्ते का नया इतिहास। आतंकी बहादुर अली ने कबूला, कश्मीर को सुलगाने के पीछे लश्कर और पाक। पाकिस्तानी बलों की मदद से लश्कर आतंकी दे रहे थे अली को निर्देश। एनआईए ने पाक आतंकी को किया था गिरफ्तार। यूपी चुनाव से पहले पाला बदल का खेल जारी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चार मुस्लिम विधायकों ने बीएसपी का थामा दामन। कांग्रेस विधायकों को क्रॉस वोटिंग में किया गया था निलंबित। और बिहार में शराबबंदी ने घटाई आमदनी, पैसों के लिए पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा। शराबबंदी की वजह से सालाना 5,000 करोड़ तक की आमदनी हुई कम। पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को देश को समर्पित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए इस कार्यक्रम में तमिलनाडु की सीएम जयललिता भी जुड़ी। ये भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसे रूस के संयोग से तैयार किया गया है। दक्षिणी ग्रिड से जुड़े इस प्रोजेक्ट की पहली यूनिट ने 31 दिसंबर 2014 से काम करना शुरू कर दिया। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट यूनिट बिजली पैदा करने की है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जल्द ही इस प्रोजेक्ट की दूसरी यूनिट शुरू करने की तैयारी में है। विपक्षी पार्टियों की मांग पर बुधवार को राज्यसभा में कश्मीर मुद्दे पर एक बार फिर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने की। कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्यसभा के प्रश्नकाल को रद्द कर दिया गया। कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेराबंदी करते हुए कहा कि पीएम के कमरे से लोकसभा की दूरी महज कुछ सेकंड की है, जबकि राज्यसभा मुश्किल से 1.5 मिनट की दूरी पर है। लेकिन ऐसा लगता है कि सैकड़ों की ये दूरी हजारों किलोमीटर की दूरी से अधिक बड़ी है। लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी सेकंडों की ये दूरी हजारों किलोमीटर की दूरी से अधिक बड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश आखिर कब से देश की राजधानी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश दौरे पर ही पहली बार कश्मीर मुद्दे पर बयान दिया था। पिछले महीने गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी आतंकवादी बहादुर अली के मुद्दे पर बुधवार को एनआईए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। अली 11 या 12 जून को इस साल भारत में घुसा था और उसे 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए प्रवक्ता ने बताया कि वह बड़े पैमाने पर भारत में विनाश को अंजाम देने की कोशिश में था। एनआईए ने उसके बारे में जो जानकारियां साझा की उससे उसका कैरेक्टर मुंबई हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब जैसा लगता है। उत्तरी कश्मीर से पकड़े गए लश्करे तैयबा के आतंकवादी और पाकिस्तानी नागरिक बहादुर अली को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकवादी समूह के कंट्रोल रूम में पाकिस्तानी बलों की मदद से लगातार निर्देश मिल रहे थे। गोरक्षा के नाम पर कथित तौर पर मारपीट करने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी फटकार के बमुश्किल 3 दिन बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कथित गोरक्षकों ने वाहन पर भैंस ले जा रहे 4 लोगों के साथ मारपीट की। बजरंग दल के नेता की अगुवाई में गोरक्षकों की भीड़ ने पुराने शहर में जिरोली गांव के नज़दीक एक भैंस लादकर ले जा रहे 4 लोगों को संदेहास्पद गतिविधियों के आधार पर मारा पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप है कि पकड़े गए लोग पशु चोर हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी बदलने का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस के 3 विधायक और समाजवादी पार्टी के 1 विधायक बीएसपी में शामिल हो गए हैं। बीएसपी में शामिल होने वाले ये सभी विधायक मुस्लिम हैं। बीएसपी के सीनियर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इन नेताओं को पार्टी में शामिल कराया और उनका जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही बीजेपी के एक पूर्व एमएलए अवधेश वर्मा भी बीएसपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के जो 3 विधायक बीएसपी में शामिल हुए हैं उन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की वजह से निलंबित किया था। केरल के अलपुझा में बुधवार को कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले की एक कार ने एक स्कूटर सवार को कुचल दिया।
मिली जानकारी के मुताबिक दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटर सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि ये स्कूटर 62 साल का एक बुजुर्ग चला रहा था। सिंधिया कोची से अलपुझा जा रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले में शामिल गाड़ी से हुए हादसे में एक शख्स की मौत के बाद उन्हें ट्वीट कर दुर्घटना पर दुख जताया है। ट्वीट में उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि हादसे के तुरंत बाद पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, साथ ही अब पीड़ित के परिवार से मिलने जा रहे हैं। दही हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा रखने और उसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों की भागीदारी की मंजूरी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2014 का आदेश जारी रखने के संकेत दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद 17 अगस्त को आदेश देने को बात कही है। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट के फैसले में हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा रखने और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाई गई थी। 14 अगस्त 2014 को आया सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक अंतरिम आदेश था, जो जन्माष्टमी नजदीक होने की वजह से दिया गया था। बिहार में लखीसराय के कजरा थाना क्षेत्र के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की खबर है। वही मुठभेड़ में कई नक्सलियों के भी घायल होने की सूचना है। हालांकि एक भी नक्सली के पकड़े जाने की अभी तक कोई खबर नहीं है। शहीद जवान का नाम अजय मंडल है, जो कि भागलपुर के खरीक थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सर्च अभियान के दौरान घोघर घाटी में पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक जवान की गोली लगने से मौत हो गई। मुठभेड़ में एसटीएफ और नक्सलियों के बीच काफी देर तक फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक सर्च अभियान को और तेज कर दिया गया है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के भी घायल होने की बात बताई जा रही है। जान जोखिम में डालकर सेल्फी खींचने पर पर्यटन मंत्री सख्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों पर डेंजर जोन बनाए जाने चाहिए। देश में सेल्फी लेने के चक्कर में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि हम सभी राज्य सरकारों से कहना चाहते हैं कि इसे लेकर सावधानी बरती जाए। डॉक्टर शर्मा ने कहा, देश के सभी पर्यटक स्थानों पर सुरक्षा संबंधी बोर्ड लगाए जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इसे रोकने को लेकर कानून बनाने की पहल भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत है। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।